हम आपको सौंप के जा रहे हैं, इनको संभाल के रख लेना। और मीडिया के साथी भी विराजे हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि स्थानीय प्रशासन को सोने मत दीजिएगा, जो अच्छा काम हो गया है वो मेंटेन रहे, उसे लिखिए, कहिए, बताइए, मांगिए, हक से मांगिए कि ये जितना खुला था ऐसा ही रहना चाहिए। मैंने आते पूछा अभी एक्शन साहब से कि वो टोल बंद है ना अभी, तो टोल खुले हैं अभी, क्यों जनू भाई खुले ना अभी, वो डांट पड़ी उस चक्कर में मेरे को, लेकिन जनहित में आवश्यक था। तो जनहित में जो जो जहां जहां जैसा मुझे सही लगता गया हम करते गए। जनू भाई का सभापति के रूप में पूरे मंच के समक्ष में धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार, क्योंकि इनका पूरा सहयोग मिला, पूरा सहयोग, पूछना ही नहीं पड़ता था कि जेसीबी मंगाने के लिए सीधे उसको फोन कर देते थे। और ये जब चल पड़ा तब आम जनता का भी सहयोग मिलने लगा। शुरुआत में ऐसा लगा कुछ जब पेड़ वेड़ कटे कुछ लोग पेड़ काट रहे थे, भाई चौड़ा कर रहे थे, उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाए हमने, 10 ज्यादा पेड़ लगाए उसी रोड पर, ताकि पेड़ भी रहे, बड़े पेड़ होंगे, देखना आप नूतन के सामने की जब पूरी चौड़ी हो जाएगी तब देखिएगा। हमारे जाने के बाद महफिल में नजारे जवा होंगे, बहारे पूछेगी हमारा पता, न जाने हम कहां होंगे। तो बहारे आएंगी इस बांसवाड़ा में, बहारे जरूर आएंगी, देखिएगा। और कभी हमें बुलाइएगा तो बहारों का साक्षी बनने के लिए हम पुनः पुनः आते रहे। माता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में ढोक लगा करके जिस दिन से मैंने कारवा शुरू किया था, उन्हीं के चरणों में वापस प्रणाम करके बांसवाड़ा से जा रहा हूँ। लेकिन मैं जैसा पिछले मंचों पर बीकानेर में कह के आया था, नीरज के पवन जाया नहीं करते, लोगों के दिलों में जिया करते हैं। मैं हमेशा आपके दिल में रहूँगा, और कभी भी कैसा भी काम लेके आ जाना, आड़ा टेढ़ा भी लेके आ जाना, उनको सब करना आता है मेरे को, वो हक में देता हूँ सब। मेरे पास कोई आ गया, ये मेरे विभाग का नहीं है, काय का क्या विभाग, विभाग जैसा भी बताएगा ना, बिल्कुल नल के लेने के आ गए, कैसा नल नहीं लगा, तो पीएचडी देखेगी ना, सौभाग्य आयुक्त मतलब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, एडीसी, पीडीसी, उन सबको छोड़ते हुए एक भरोसा बांसवाड़ा के आम आदमी को, भरोसा कि वहां चले जाओ साहब, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब तो ऐसे भी आने लगे थे कि बच्चे नहीं हो रहे साहब, क्या करूंगा, बहन जी कुछ करते हैं डॉक्टर को, वो अपने पीएमओ को फोन किया, रहे भैया कोई है। खैर, इसी मुस्कान के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहता था। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, ऐसे ही खिलखिलाहट जीवन में सबके बनी रहे, और ये इन्फेक्शस होती है, वो विनीता मैडम ने सिखाया मेरे को कि आप खुश रहिए, खुशियां बांटिए। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने गया था मैं इनके पास, बड़ा अच्छा पढ़ाती है, जिन्होंने नहीं किया कभी मौका लगे तो करना, बहुत अच्छा। मेरा बाकी रह गया, मैं फिर आऊँगा किसी दिन। तो इस भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में जो 20-25 साल का आपका सक्रिय कार्यकाल अभी बाकी है, उसमें राष्ट्र की सेवा को अपने ध्येय बनाते हुए, जहां भी जैसे भी है, मुझे कौन सा झाड़ू उठाने की आवश्यकता थी, लेकिन उठाई ना झाड़ू, उठा करके बांसवाड़ा की सड़कों पर सामान्य आदमी का झाड़ू लगाई ना, ये बताने के लिए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम तय कर लें कि हम सेवा को अपना संकल्प बनाएंगे, हम ये तय कर लें किसी भी भूमिका में हो, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम रियल एस्टेट चलाते हैं, हम स्कूल चलाते हैं, किसी भी पद पे हैं, जिससे जहां जो अच्छा हो सके वो करते रहिएगा। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।